السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله इंतहाई वाजिब उल एहतराम बुज़ुर्गों अज़ीज़ नौजवान साथियों मुअज़्ज़ज़ात व मुकर्रमात इस्लामी माओं और बहनों हर किस्म की हमदो सना तारीफ़ व तमजीद किबरियाई बड़ाई रिफ़त व अज़मत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है बेशुमार लातादाद बेहद व हिसाब दुरूद व सलाम पैगम्बर आखिर उज़्ज़मा मुहसिन इंसानियत मुहसिन कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो लोग मीडिया से मुंसलिक हैं उन्हें ये बात बखूबी मालूम है कि इन दिनों में हमारे मुल्क में एक बिल ज़ेरे गौर है बल्कि उसको मंजूर करवाने की पूरी कोशिश की जा रही है उसके लिए लॉबिंग हो रही है लोगों को जमा किया जा रहा है इकट्ठा किया जा रहा है कि वो इस बिल के हक़ में वोट दें
और पार्लियामेंट से वो बिल मंजूर हो जाए और कानून का हिस्सा बन जाए। वो बिल जो इस नाम पर बनाया गया है कि ज़बरदस्ती किसी को इस्लाम कबूल नहीं करवाया जा सकता, नाम ये है, उन्वान ये है, मकसद जो बताया जा रहा है वो ये है कि ज़बरदस्ती किसी को इस्लाम कबूल ना करवाया जाए। ऐसा कोई मुसलमान दुनिया में नहीं है जो ये कहे कि ज़बरदस्ती किसी को इस्लाम कबूल करवाना चाहिए, क्योंकि ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ैसला है क़ुरान करीम में कि ला इकराह फिद्दीन, दीन को कबूल करवाने में कोई ज़बरदस्ती दुरुस्त नहीं है। किसी को आप मजबूर करके दीन में दाखिल नहीं कर सकते। कैसे हो सकता है कि एक शख्स मुसलमान हो, कुरान को मानने वाला हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ने वाला हो और दीन की तबलीग करने वाला हो और वो कुरान के इस हुक्म को छोड़ के किसी को गन पॉइंट पे या ज़बरदस्ती मजबूर करवा के उसको कहे कि तुम इस्लाम कबूल करो, कलिमा पढ़ो वरना तुम्हें गोली मारता हूँ, कलिमा पढ़ो वरना तुम्हारी गर्दन उतारता हूँ, ऐसा कोई मुसलमान कैसे हो सकता है? और ये कोई अफ्रीका के जंगलों की बात तो नहीं, पाकिस्तान, मुल्क पाकिस्तान की बात है जो इस्लाम के नाम पे बना है, जहाँ उलमा कसरत के साथ मौजूद हैं, जहाँ का आइन कानून इस्लामी है, वहाँ ये हरकत कोई मुसलमान कैसे कर सकता है? दरअसल ये मगरबी एजेंडा है जिसको पूरा करने के लिए सीधा सीधा तो नहीं कहा जा सकता कि हम इस्लाम कबूल करवाने पर पाबंदी लगा रहे, लेकिन इस खुशनुमा नारे के पीछे कि ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाने वालों के ख़िलाफ़ हम ये बिल ला रहे हैं, जब उस बिल के मुंदरजात, उसकी शिक्कें, उसके आर्टिकल्स आप पढ़ते हैं तो वहाँ आपको बड़ा वाज़े अंदाज में ये लिखा हुआ मिलेगा कि 18 साल से पहले कोई शख्स इस्लाम कबूल नहीं कर सकता। ये इस बिल के मतन का बुनियादी नुक्ता है कि 18 साल से पहले इस्लाम कबूल करना दुरुस्त नहीं है, बल्कि वो इस्लाम एक्सेप्टेबल ही नहीं है। कोई अदालत उस इस्लाम को नहीं मानेगी जो 18 साल से पहले कबूल किया गया हो। 100 अगर ले ली जाए तो ये किताब व सुन्नत के, इस्लाम के, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरीहन मनाफी है। और कहा गया है कि 18 साल से पहले अगर आपने किसी को तबलीग की जिसकी उम्र 18 साल पूरी नहीं हुई, वो गैर मुस्लिम है, और अगर आपने उसको कहा कि आप इस्लाम कबूल कर लो, ये दीन, ये सबसे बेहतरीन दीन है, ये जन्नत का रास्ता है, अगर आपने ऐसा कर दिया तो ये आपके लिए जुर्म है, इस जुर्म पर आपको सजा दी जाएगी जो कैद और जुर्माने दोनों सूरतों में है, 5 से 10 साल की कैद हो सकती है और 1 लाख से 2 लाख जुर्माना हो सकता है। ज़रा आप गौर फरमाएं, ये इस्लामी मुल्क है और दावा फिर है कि हम रियासत मदीना बना रहे। वैसे तो ये दावा भी सियासी ही था, अब तो सारी दुनिया के सामने वाज़े हो चुका है। अगर ये दावा सच्चा हो तो हम सबसे पहले बढ़कर सिपाही हैं रियासत मदीना बनाने के लिए। अगर आज खान साहब ये ऐलान कर दें कि मैं हकीकी तौर पर रियासत मदीना बनाना चाहता हूँ, तो अल्लाह के फजल से हम तो दीन को फौकियत और बरतरी देते हैं। ये सियासत तो दुनियावी चीज़ें हैं ना, हम कहते हैं हम सबसे बढ़कर खान साहब के इस इकदाम को सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये महज नारा था। कभी कहा गया कि हम अमेरिका जैसी रियासत, कभी कहा गया कि हम जनाब चाइना जैसा बनाना, कभी कुछ कहा गया, कभी कुछ कहा गया। तो दावा रियासत मदीना का किया गया, ये कानून सीधा सीधा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन है।
یہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجرم بنانے کا قانون ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو دعوت اسلام دی ہے، جن کو اسلام قبول کروایا ہے، ان میں کتنے ایسے لوگ بے شمار ہیں جن کی عمریں 18 سال سے کم ہیں، جن کی عمریں 18 سال سے کم ہیں، اور ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جو اسلام کے چوتھے خلیفہ راشد ہیں، ان کی شان اور مقام مسلمہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ ایمان لے کر آئے، جب وہ ایمان لائے تو ان کی عمر زیادہ سے زیادہ 10 سال تھی۔ اچھا، اس قانون کی ایک شک یہ بھی ہے کہ یہ دوسروں کے لیے قانون ہے، اگر کوئی دوسرا اسلام قبول کروائے، البتہ اگر والدین مسلمان ہو جاتے ہیں تو ساتھ بچے مسلمان ہوتے ہیں، وہ بچوں کو مسلمان کر لیتے ہیں تو والدین پر کوئی قانون نہیں۔ بڑی مہربانی اتنی سی رعایت دینے کی، لیکن یہ رعایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملی ابھی تک۔ آپ کے قانون میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مجرم ہی بنے ہوئے ہیں، کیونکہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے والد مسلمان نہیں ہوئے۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کے والد مسلمان ہو گئے ہوں اور ساتھ ہی وہ مسلمان ہو گئے، ان کے والد آخر دم تک مسلمان نہیں ہوئے۔ ابو طالب کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، لیکن علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے 10 سال سے بھی کم عمر میں۔ مسلمان کس نے کیا؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کلمہ کس نے پڑھایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کا قانون کس کو مجرم بنا رہا ہے؟ آپ نے یہ بھی نہیں سوچا، اور پہلے یہ قانون باقاعدہ ایک میٹنگ ہو کر، ان کیمرہ میٹنگ ہوئی جس میں اسلامی نظریاتی کونسل کے کچھ افراد موجود تھے اور کچھ علماء تھے، انہوں نے اسی وقت اس قانون کی مخالفت کی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ چلو یہ سمجھ لیا جاتا کہ اب علماء نے مخالفت کر دی ہے، پہلے سمجھ نہیں تھی، اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ کتاب و سنت کے خلاف قانون ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ علماء کے ریجیکٹ کرنے کے بعد بھی اب یہ قانون اسمبلی کے ممبران کو بھیجا جا رہا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ اس کے حق میں ووٹ دیں تاکہ یہ قانون کا حصہ بن جائے اور یہ پابندی لگ جائے کہ 18 سال سے پہلے کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، اور کسی کو مسلمان نہیں کیا جا سکتا، کسی کو کلمہ نہیں پڑھایا جا سکتا، کوئی عدالت اس کے مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتی۔ یہ سارا کچھ اس قانون میں موجود ہے۔ اب دیکھیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بچوں کو کلمہ پڑھایا تھا، اگر ان کی تعداد شمار کی جائے تو تعداد شمار میں نہیں آنے والی۔ میں چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، چند ایک مثالیں جو بڑی واضح اور روشن ہیں ہر مسلمان کے سامنے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، اس وقت وہ بالغ نہیں تھے، ان کی عمر 18 سال تو کجا 10 سال بھی نہیں۔ اس کے علاوہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مسلمان ہوئے، اس وقت ان کی عمر شاید 6 سال بھی نہیں تھی، 5-6 سال کی عمر تھی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما مسلمان ہوئے، اس وقت ان کی عمر بھی تھوڑی تھی، ابھی وہ بلوغت کو نہیں پہنچے تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کو دعوت دی، اسلام قبول کروایا، بچوں کو کہا کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ۔ صحیح بخاری میں واقعہ مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا، آپ کا خادم تھا، بچہ تھا، یہودی تھا، اس کا مذہب کیا تھا؟ یہودیت۔ مذہب یہودیت تھا، اس کا باپ بھی یہودی ہے، اس کا خاندان بھی یہودی ہے۔ وہ بچہ بیمار ہو گیا، اسی حالت میں کہ وہ یہودی ہے بیمار ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں اس کے باپ کی موجودگی میں، اس کے خاندان کی موجودگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو کہا کہ اسلم،
बच्चे मुसलमान हो जा, तुम्हारी कामयाबी इसी में है कि मुसलमान हो जाओ। उस बच्चे ने कलमा पढ़ा, थोड़ी देर बाद ही उसकी रूह परवाज कर गई, मुसलमान होकर दुनिया से चला गया। अब बताएं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपका ये नाम निहाद कानून क्या दफ़ा लगाएगा, आप पर क्या जुर्म आयद होगा कि आपने बच्चे को कलमा पढ़ा दिया। और अंदाज़ा करें एक यहूदी बाप होकर उसने अपने बेटे को कहा, यहाँ ये मुसलमान हैं, ये मुसलमान रोक रहे हैं कि बच्चों को कलमा ना पढ़ाओ, बच्चे को मुसलमान किया तो तुम जेल चले जाओगे, तुम मुजरिम बन जाओगे। वो बाप यहूदी है, खुद मुसलमान नहीं है, लेकिन बच्चे को उस मौके पर कहता है अति अबुल कासिम, बेटा अबुल कासिम यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लो। अफसोस की बात है आज मुसलमान बच्चों को इस्लाम कबूल करने से रोक रहे हैं और बच्चों को इस्लाम की दावत देने से रोक रहे हैं। यहूदियों से बदतर हो गए हो तुम तो, कौन सा दीन है तुम्हारा, कौन सा ईमान है तुम्हारा। और ये तो अलग बहस है ना कि 18 साल की जो कैद लगाई गई है तो क्या 18 साल तक कोई बच्चा रहता है। इस्लाम ने क्या कानून दिया है बचपन और लड़कपन के दरमियान फ़र्क करने के लिए, या बचपन और जवानी के दरमियान फ़र्क करने के लिए, बुलूगत और अदम बुलूगत में फ़र्क करने के लिए इस्लाम ने क्या कानून दिया है। ये तुमने कानून कहाँ से ले लिया, ये मगरब का कानून है 18 साल का। कौन सी कुरान की आयत है तुम्हारे पास, कौन सी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है तुम्हारे पास कि 18 साल से पहले बच्चा बालिग नहीं होता। मगरब में भी सब में ये कानून नहीं, बदलता रहा है। अब उन्होंने 18 साल किया, कई यूरोपीय मुल्कों में, कई गैर मुस्लिम ममालिक में अब भी 16 साल 14 साल तक भी है, जब वो फ़र्क करते हैं बुलूगत और अदम बुलूगत में कि ये जवान हुआ है या बच्चा है। तुम बाज यूरोपीय मुल्कों से भी आगे बढ़कर इस्लाम को रोकने के लिए लगे हुए हो, और अफसोस की बात यह है कि किसी काफिर मुल्क में भी ये कानून नहीं है, किसी काफिर मुल्क में भी ये कानून नहीं है कि बच्चा अपना मज़हब तब्दील नहीं कर सकता। बच्चे की मर्जी है मज़हब तब्दील करे, कर ले, उसको रोका नहीं जा सकता। अब बताएं एक बच्चा इस्लाम कबूल करना चाहता है, आप उसको रोकते हैं, जबर तो ये है, मजबूर तो आप उसको कर रहे हैं कि आप काफिर रहो जब तक 18 साल के नहीं हो जाते, हम तुम्हें मुसलमान बनने की इजाज़त नहीं देंगे। जबकि वो बच्चा भी नहीं है, वो बालिग हो चुका है। जो शरीयत ने कानून दिया है, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कानून दिया है, उसमें बुलूगत की ज़्यादा से ज़्यादा हद 15 साल है। 15 साल से पहले भी लड़का या लड़की बालिग हो सकते हैं, लेकिन अगर 15 साल तक वो बालिग नहीं हुए तो 15 साल की उम्र बुलूगत की हद है। तुमने 3 साल और लिए, जबकि आजकल हमारे मुआशरे में 10 से 12 साल के बच्चे बालिग हो रहे हैं, ये हकीकत है। आप किसी डॉक्टर से पूछ लें, वालदैन हैं तो आपको खुद पता होगा कि हमारे बच्चे कैसे बालिग, कितनी उम्र में बालिग हो रहे। उसके बाद आप 7-8 साल 5-6 साल उसको पाबंद करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बालिग भी हो गया है, वो मुकल्लफ भी हो गया है अल्लाह के अहकामात का। वो अगर इस्लाम कबूल नहीं करता सीधा जहन्नम में जाएगा जब बालिग हो गया है, तो आप उसको मजबूर करें तुम काफिर रहो, कुफर की मौत मरो और जहन्नम में जाओ। कौन सा दीन है, कौन सा इस्लाम है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अटल कानून दिया है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा सहाबी हैं, मुसलमान तो पहले ही हो चुके हैं, तकरीबन 5-6 साल की उम्र में मुसलमान हो चुके हैं, गजवे में शिरकत करना चाहते हैं, गजवे में शिरकत के लिए आए, गजवे ओहद में, कि अल्लाह के रसूल मैं गजवे में शिरकत करना चाहता हूँ और मेरी उम्र 14 साल हो गई है, मुझे इजाज़त दें, मैं ताकतवर भी हूँ, मैं मुकाबला भी कर सकता हूँ, मेरा शौक़ भी है, जज्बा भी है। चूँकि बुलूगत की कोई और निशानी पूरी नहीं हुई थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुलूगत की जब कोई और निशानी पूरी ना हो तो 15 साल आखिरी निशानी है, 15 साल पूरे हो जाएँ तो फिर
बच्चा बालिग हो जाता है, अभी तुम्हारी बुलूगत पर कोई दलील नहीं है, 15 साल एक साल रहता है, एक साल बाद दोबारा गज़वे में शिरकत के लिए आए तो आपने इजाज़त दे दी। ये शरीयत ने कानून बनाया है कि अगर कोई और अलामत पूरी नहीं होती बुलूगत की, ये जो गैर ज़रूरी बाल हैं जो इंसान के जिस्म के बाज़ हिस्सों पे उग आते हैं और जिनको शरीयत ने कहा कि तलब करना है, ये बाल अगर उग आते हैं, चाहे 10 साल उम्र है, बच्चा बच्ची बालिग हो जाते, इहतलाम हो जाता है, बच्चा बच्ची बालिग हो जाते हैं, औरत को अय्याम मखसूसा लड़की को शुरू हो जाते हैं तो वो बालिग हो जाती, चाहे उसकी उम्र 10 साल हो, चाहे उम्र कम हो, लेकिन अगर कोई भी निशानी पूरी नहीं हुई तो फिर 15 साल आखिरी हद है। आपने किस किताब व सुन्नत के उसूल से 18 साल का कानून लिया और फिर किताब व सुन्नत के सारे उसूलों को पसे पुश डालते हुए उनका इनकार करते हुए कहा कि बच्चा इस्लाम कबूल नहीं कर सकता। अब बताएं कितने सहाबा, ये जितने सिगार सहाबा हैं ना जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बच्चे थे, सब ने बचपन की हालत में इस्लाम कबूल किया, सब ने बचपन की हालत में इस्लाम कबूल किया है, किसी की उम्र भी 18 साल नहीं थी। किस तरह तुम ये कानून बनाते हो कि बच्चों को इस्लाम की दावत नहीं दी जा सकती, जबकि खुद पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को इस्लाम की दावत दे रहे हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, कुरान करीम ने हमारी ड्यूटी ही ये लगाई है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम इंसानों के लिए बनाए गए हो, इंसानों की दावत, इंसानों को दावत देने के लिए, इंसानों की रहनुमाई करने के लिए, इंसानों को जहन्नम से बचाने के लिए, इंसानों को जन्नत के रास्ते पर चलाने के लिए अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है। तामुरून बिल मारूफ व तनहून अनिल मुनकर, तुम्हारा काम यह है कि तुम बुराई से रोकते हो, नेकी का हुक्म देते हो। इस्लाम से बड़ी नेकी कौन सी है और कुफर से बड़ी बुराई कौन सी है? अब बताओ, अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारा अल्लाह ने इंतखाब किया है इंसानों के लिए, तो ये जो बच्चे हैं क्या इंसान नहीं होते हैं? बच्चे क्या इंसान, इनको इंसान नहीं जानवर समझते हो कि कुरान का ये हुक्म समझते हो कि 18 साल के बाद होगा? इंसान तब बनेंगे जब 18 साल के हो जाएंगे, तब तुम इस्लाम की दावत दे सकोगे उन्हें। और फिर सिर्फ यही नहीं कि 18 साल की कैद लगा दी कि बच्चों को दावत ना दो, बल्कि इस्लाम की दावत देने को जुर्म बना दिया गया है। 18 साल का अगर हो गया है कोई शख्स, या बड़ा है, 40 साल का है, 50 साल का है, 20 साल का है, आप उसको अगर दावत देते हैं तब भी आप मुजरिम हैं। इस नाम नहाद जो कानून पास करवाने की कोशिश की जा रही उसकी रूह से कैसे मुजरिम हैं? वो बंदा जाके अदालत में दरख्वास्त देगा कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, मुझे इस्लाम कबूल करने की इजाज़त दी जाए। अंदाज़ा करें, ये इस्लामी मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना है, जिसकी बुनियादी ला इलाहा इल्लल्लाह पर है, उसमें एक शख्स अदालत से जाके ये इजाज़त ले रहा है कि मैं मुसलमान हो जाऊं। लानत है ऐसे कानून पर। कल को आप कहोगे नमाज के लिए भी आकर इजाज़त लो, हमें नमाज पढ़नी है कि नहीं, रोज़ा रखने के लिए इजाज़त लो, रोज़ा रखना है कि नहीं। ये कानून काले काफिरों ने भी नहीं बनाया अभी तक कि अगर किसी ने हमारे मुल्क में इस्लाम कबूल करना है तो हमसे इजाज़त ले। बताओ दुनिया के किसी मुल्क में ये कानून है? दुनिया के किसी काफिर मुल्क में भी ये कानून नहीं है कि आप उस मुल्क के हुकूमत या उसकी अदालत से इजाज़त लिए बगैर इस्लाम कबूल नहीं कर सकते। हाँ, आप उन्हें ये बावर तो करवा सकते हैं, उनको बता तो सकते हैं कि मैं मुसलमान हो गया हूँ, मुझे मुसलमान समझा जाए। इजाज़त लेने की बात कहीं नहीं है, वो आपके मुल्क में हो रहा है कि अब इजाज़त लेना होगी, मुसलमान होना है आपको, इजाज़त ले, आप दरख्वास्त देंगे। अब वो जो जज है, सेशन जज, उसकी मर्ज़ी है, वो एक हफ्ते में 10 दिन में आपको इजाज़त दे दे कि आप मुसलमान हो जाएं। और ये भी हो सकता है कि वो 90 दिन तक आपको अपनी कस्टडी में रखे, आपको माहौल मुआशरे से अलग कर दे, जो लोग आपको दावत दे रहे थे, जो आपको तबलीग कर रहे थे, उनको साइड पे करके अलग करके फिर तकाबले अदियान उसको पढ़ाया जाए,
हिंदू मत, बुद्ध मत, सिख मत, ईसाईयत, यहूदियत उसको पढ़ाई जाए और पढ़ाकर 90 दिन के बाद पूछा जाए कि आप भी मुसलमान होना चाहते हो। अंदाज़ा करें कितनी बेगैरती है। होना उसने मुसलमान है, कबूल इस्लाम करना चाहता है, दरख्वास्त दे रहा है कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ और उसको पढ़ाई जा रही यहूदियत, ईसाईयत, बुद्ध मत, सिख मत और दीगर मजाहब उसको पढ़ाए जा रहे हैं कि इनको पढ़ के बताओ कि अब भी मुसलमान होना तुमने। ये कानून पास करने की कोशिश हो रही है हमारे मुल्क में। अब बताओ कि क्या कोई अकलमंद शख्स, कोई मुसलमान, कोई गैरत वाला क्या इस कानून को पसंद कर सकता है? लेकिन आपके हुक्मरान पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस कानून को पास करवा लिया जाए। अब होगा क्या? अब एक शख्स है जो दीन की तबलीग करना चाहता है, लोगों को इस्लाम की दावत देना चाहता है। अब वो तो डर के घर बैठ जाएगा कि मैंने 10 साल के लिए जेल थोड़ा जाना है। जिसको 90 दिन आपसे अलग कर दिया गया, जिसको आप दावत दे रहे थे, उसके इसका हालात थे, वो ईसाई था, यहूदी था, वो सिख था, वो हिंदू था, कुछ भी था, आप उसको बकायदा उसकी जहन साजी कर रहे थे कि देखो ये गलत चीज़ें हैं, ये शिर्क है, ये कुफर है, ये इस्लाम है, ये दीन है, उसके कुछ इसका हालात थे, वो आपने आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किए, वो पूछता है कि ये कैसे है, वो कैसे है, आप उसको बताते रहे। लेकिन जब उसने कहा कि मैं इस्लाम अब कबूल करना चाहता हूँ, आमादा हो गया हूँ, उसको 90 दिनों के लिए आपने अलग कर दिया, राबता ख़त्म कर दिया और उसको यहूदियत पढ़ा दी, उसको ईसाईयत पढ़ा दी, उसको हिंदू मत पढ़ा दिया, उसको सिख मत पढ़ा दिया, सब कुछ, उसके बाद अगर बिलफर्ज, और वो पढ़ाएगा कौन आपको ये अंदाज़ा नहीं, अगर खुदा न खासा ये कानून पास हो गया तो 90 दिन वो NGOs के पास चला जाएगा जो कि वहाँ से यूरोप से ही आए होंगे और वो उसको मुसलमान नहीं होने देंगे। ये असल में इस्लाम कबूल करने पर पाबंदी का बिल लाया जा रहा है कि इस मुल्क में खबरदार कोई इस्लाम कबूल ना करे। अगर वो 90 दिन के अंदर अंदर हिल जाता है, उसका दिमाग बदल जाता है, पीछे से उसको सपोर्ट नहीं मिल रही, उसका इलाज जो जारी था ख़त्म कर दिया गया, उसकी बीमारी ने दोबारा असर उठाया, वो दोबारा बीमार हो गया, कुफर में चला गया और वो कहता है मैं मुसलमान नहीं होना चाहता, तो जो दावत दे रहा था उसको 10 साल के लिए जेल में भेज दिया। अब बताएं कि ये इस्लाम कबूल करने पर पाबंदी का बिल है कि नहीं है? मैं क्यों दावत दूँ? कोई बंदा क्यों दावत देगा? कहेगा मुझे जेल में जाना है, जिसको मैं दावत दे रहा हूँ, जिसका मैं ज़ेहन बना रहा हूँ। अब बताएं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले, कलमा पढ़ने वाले कई लोग ऐसे थे जिन्होंने ऊपर ऊपर से कलमा पढ़ लिया था, मुनाफिकीन, अब्दुल्ला बिन उबई एंड कंपनी, कई लोग बज़ाहिर फिर भी गए अपने दीन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही, तो क्या ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कसूर था कि आपने उनको दावत दी, आपने उनको कलमा पढ़ाया, ये आपका कसूर था या इस्लाम से फिर जाना उनका कसूर था? जब एक शख्स खुद मजिस्ट्रेट को या सेशन जज को ये दरख्वास्त दे रहा है कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ और वो कह रहा है कि मैं राजी खुशी मुसलमान होना चाहता हूँ, मुझ पर कोई जबर नहीं है, मैं अपनी पसंद से इस्लाम को कबूल करना चाहता हूँ, उसके बाद 90 दिन उसको दीगर मजाहब पढ़ा के फिर उसको मुजरिम बनाना, जिसने दावत दी थी, जिसने तबलीग की थी, बताएं ये इस्लाम है? ये रियासत मदीना है? ये पाकिस्तान है जिसके लिए हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी थी, जिसके लिए हमने लाखों शहादतें कबूल की, जिसके लिए हमने अपनी इज्जतें भी लुटवा दी, जिसके लिए खून के दरिया बहा दिए? क्या इसी मुल्क के लिए, क्या इसी कानून के लिए हमने ये किया था? इसलिए मुसलमानों को बेदार होना होगा। आप मुसलमान तो अक्सरियत में हैं और जो अकलियत में हैं उनको हमारे सर पे चढ़ाया जा रहा है, यानी यहाँ मुसलमान अक्सरियत में होकर भी मजबूर हो जाएंगे, ऐसे कानून पास हो जाएंगे। इससे पहले भी कई कानून पास हो गए, जैसा कि वो बच्चों पर तशद्दुद का बिल, अब उसमें क्या था कि आप बच्चे को जनाब वो डांट भी नहीं सकते, उसको मार भी नहीं सकते, और अगर उसने ऐसा कह दिया तो हम ये कर, वो बिल्कुल यूरोप वाले जो कवानीन है कि आपने बच्चे को डांट दिया वो पुलिस को फ़ोन करेगा, बच्चे को डांटा है, बच्चा आपका है, घर आपका है,
सारी ज़िंदगी की मेहनत आपकी है, आपने घर बनाया, आपने बच्चों को शादी की, आपने बच्चे पैदा हुए, बच्चों की परवरिश का इंतज़ाम आप कर रहे हैं, उनके खाने पीने के लिए आप ला रहे हैं, अगर आपने उनको डांट दिया या मार दिया और उसने पुलिस को फ़ोन किया तो आपको उस घर से बेदखल करके इतने साल के लिए, इतने महीने के लिए भेज दिया जाएगा कि आपका उसके घर में कोई अमल दखल नहीं। किस चीज़ के लिए राह हमवार की जा रही है? कोई शादी करे ही ना, इस मुसीबत में क्यों पड़ना है भाई? बच्चों की जिम्मेदारी भी उठाओ, शादी करके बीवी के अखराजात भी, खानदान के अखराजात, बच्चों के अखराजात, सारा कुछ करके भी मुजरम आपने बनना है। उससे फिर लोग समझेंगे बेहतर वही है ना जो उस माशरे में होता है। नाजायज़ ताल्लुकात रखो, ना किसी किस्म की कोई मजबूरी, ना कोई बोझ, अपनी जिंसी तस्कीन हासिल करो और फारिग हो जाओ। तुम्हारे ऊपर कोई बोझ, कोई जिम्मेदारी नहीं। अगर जिम्मेदारी उठाओगे तो फिर तुम्हारे साथ ये हसर होगा। क्या इस्लाम ने ये हमें सबक दिया था? इस्लाम तो कहता यह है कि बच्चों को आप उनकी तरबियत करो, ये तो हमने खुतबों में कहा हुआ है कि बच्चों को मारना और उन पर तशद्दुद करना ये इस्लामी तरीका नहीं है, लेकिन कभी किसी वजह से तरबियत के एंगल से बच्चे को मारना पड़ जाए तो आप मुजरिम बन जाएंगे। शरीयत ने यह कहा कि बच्चों को 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म दो, 10 साल के हो जाएं तो सख्ती करो, ना पढ़े तो मारो। क्या आपका यह बिल इस चीज़ की तफरीक करेगा कि नमाज पे मारा? ये किस चीज़ की राह हमवार की जा रही है? ये हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? ये रियासत मदीना के खुशनुमा नारे के पीछे क्या हो रहा है? तो बच्चों को इस्लाम कबूल कर, बल्कि ये कानून तो बड़ों को भी इस्लाम कबूल करवाने से मना कर रहा है कि आपने पहले तो 90 दिन आप इस्लाम कबूल नहीं कर सकते, आपको जज इजाज़त देगा कि आपने इस्लाम कबूल करना है तब आप करेंगे, वो भी आपकी दोबारा से ब्रेन वॉशिंग होगी, आपके दिमाग में दोबारा यहूदियत घुसाई जाएगी, दोबारा ईसाइयत घुसाई जाएगी, दोबारा आपको हिंदू मत पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आपसे 90 दिन बाद पूछा जाएगा कि आप भी मुसलमान होना चाहते हो। जबकि कुरान ये कहता है कि लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ, अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाओ, गुमराही से बचाओ। अगर कोई शख्स गुमराही की तरफ जा रहा है तो उसको रोको उससे। बताएं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में हुक्म देता है कि जब अल्लाह की आयात का मजाक उड़ाया जा रहा हो तो आप उस मजलिस में ना बैठें। जिस मजलिस में अल्लाह की आयात का मजाक उड़ाया जा रहा हो, इनकार किया जा रहा हो, मुखालफत की जा रही हो, ऐ नबी आपने उस मजलिस में नहीं बैठना है। और आगे आप अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक उसूल बनाने के लिए फरमाया कि ऐ नबी अगर आप उनके साथ बैठे तो आपका शुमार भी उन्हीं में से हो जाएगा। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठना नहीं था, अल्लाह को पता था कि नबी ने नहीं बैठना। जैसे फरमाया कि ऐ नबी अगर आपने भी शिर्क किया तो आपके भी आमाल ज़ाया हो जाएंगे, हालांकि आपने शिर्क तो करना ही नहीं था, अल्लाह को पता था। लेकिन उसूल और ज़ाबता बनाने के लिए कि इंसानों को, सारे मुसलमानों को पता चल जाए कितना बड़ा जुर्म है, क्या बताया कि अगर किताब व सुन्नत का जहां मजाक हो रहा हो, इनकार हो रहा हो, उस मजलिस में आप बैठेंगे तो गोया आप भी उन्हीं के हम नवा हैं, आप भी उन्हीं के साथ हैं। क्यों बैठे हैं आप ऐसी मजलिस में जहां अल्लाह की आयात का मजाक उड़ाया जा रहा है, इनकार किया जा रहा है? अब यहां 90 दिन तक उस शख्स को जो 18 साल के बाद इस्लाम कबूल करना चाहता है उसको अल्लाह की आयात का इनकार पढ़ाया जाए। बताएं क्या यहूदियत अल्लाह की आयात का मजाक नहीं है, इनकार नहीं है? क्या ईसाइयत अल्लाह की आयात का इनकार नहीं है? कुरान कहता है, ईसाई खुद कहते हैं, आज भी कहते हैं, लकद कफर अल्लज़ीन क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम। वो कहते हैं मसीह बिन मरियम यानी ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह हैं, कभी कहते हैं अल्लाह का बेटा है। आप वही तौरात उन्हें देंगे, वही इंजील देंगे कि पढ़ो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा पढ़ो, ईसा अलैहिस्सलाम को इलाह पढ़ो, और दीगर कुफरियात और शिरकियात आप उन्हें पढ़ाएंगे? कुरान कहता है कि ऐसी मजलिस में आप नहीं बैठेंगे तो ऐसी किताबें किसी को पढ़ने के लिए कैसे दे सकते हैं? अब इसका एक और मंतकी नतीजा क्या होगा? कादियानी काफिर है ना, मुर्तद हैं। अगर आप किसी कादियानी को मुसलमान करना चाहते हैं तो
तो क्या करेंगे, दावत देंगे, तबलीग करेंगे। इस कानून के पास होने के बाद आपका कादियानियत के खिलाफ काम बंद हो जाएगा, आप मुजरिम ठहरेंगे। कादियानी को आपने मुसलमान कर लिया, अगर उसकी 18 साल से कम उम्र है आप तब भी मुजरिम हैं। अगर 18 साल से ज़्यादा उम्र है तो 90 दिन तक उसको कादियानियत दोबारा पढ़ाई जाएगी। उसका जहन आपने साफ कर दिया, वो इस्लाम की तरफ मायल हो गया, रागिब हो गया, कलमा पढ़ने वाला था कि उसको कहा गया कि नहीं 90 दिन आप बैठो दोबारा कादियानियत पढ़ो। कादियानियत 90 दिन दोबारा उसको कादियानी पढ़ाएंगे, उसका दिमाग दोबारा फिर जाएगा तो आप मुजरिम कि आपने कादियानी को मुसलमान करने की कोशिश की। हम निमड़ते हैं तुमसे, तुम कौन होते हो कादियानियों को मुसलमान करने। इसलिए मुसलमानों को बेदार होना होगा और सियासी मफादात से बालातर होकर आप सियासी तौर पर किसी पार्टी का साथ दें, लेकिन जब दीन और मजहब का मामला आ जाए उस वक़्त अगर आप मुदाहनत का शिकार होंगे, फिर भी अगर आपकी सपोर्ट ऐसे लोगों की होगी जो लोग किताब व सुन्नत के खिलाफ कानून बनाना चाहते हैं या ऐसे ही आइन में कोई शिक रखना चाहते हैं, तो फिर आपका शुमार भी उन्हीं में से हो जाएगा। दुनिया आखरत आपकी रुसवाकुन और बर्बाद हो जाएगी। दुनिया के मफादात को छोड़ दें, आखरत के मफाद को सामने रखें। जो शख्स इस्लाम के मफाद में बात करता है वो चाहे सियासी तौर पर आपका मुखालिफ हो, आपका हक बनता है कि उस मामले में उसकी सपोर्ट करें। और जो शख्स इस्लाम के मफादात के ख़िलाफ़ बात करता है वो चाहे सियासी तौर पर आपका पसंदीदा और फेवरेट हो, आप उसकी मुखालफत करें और डंके की चोट कहें कि आप इस्लाम के मुखालिफ जा रहे। ऐसे लोग जिनकी आप सपोर्ट कर रहे हैं और वो ऐसे कानून बनवाने के लिए सरगर्म हैं और ये कानून बना लेते हैं, तो बताएं आपकी सपोर्ट नहीं होगी उनके साथ, आप अल्लाह को क्या जवाब दें। हमेशा ये होता है कि चिंगारी छोड़ी जाती है, चेक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है कि लोगों के अंदर कितना ईमान है। अगर लोग उठ खड़े होते हैं तो पीछे हट दिया जाए, और ये कानून भी इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से वापस चला जाएगा। ये अभी इतनी जुरत और हिम्मत नहीं किसी में इस मुल्क में ऐसा कानून पास करवाए। इंशाअल्लाह गैरतमंद मुसलमान मौजूद हैं, ये वापस चला जाएगा, लेकिन आपको टेस्ट किया जा रहा है कि आपके अंदर कितनी गैरत है। अगर आप खामोश रहेंगे तो किसी न किसी दिन इसको मंजूर करवा लिया जाएगा। और यही कोशिश है कि इसको ऐसा मुल्क बना लिया। और ये वजह क्या है, ऐसा बिल लाने की मजबूरी क्यों हुई? अदालतें मौजूद हैं, पहले ही सारा निज़ाम मौजूद है। अगर किसी को मजबूर कर रहा है कि मुझे मजबूरी से गन पॉइंट पे इस्लाम कबूल करवाया गया, वो जाके बयान देता, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब भी होती है, अब भी कानून में मौजूद है, किसी पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, कुरान में मौजूद है। तो स्पेशल से ऐसा बिल और उसके अंदर ऐसी शिक्के रखने की ज़रूरत क्यों पेश आई? ये पीछे से जो आका हैं, जो आपको माल दे रहे हैं और आपकी इज्जत गैरत आपका दीन भी खरीद रहे हैं आपसे कि ये गिरवी हमारे पास रखवाओ तब हम आपको ये कुछ देते हैं, ये असल में वहाँ से एजेंडे आते हैं, वहाँ से बाकायदा डिमांड आती है, आप ये करेंगे तो हम आपके साथ ये करें। उनको खुश करने के लिए, अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए, जो बैसाखियों पे चल रही है जी, मईशत बर्बाद हो रही है, चलो इस तरीके से कुछ ना कुछ फंड आ जाएं, चलते रहें। ये दुनिया की ये जो वजारतें हैं, ये हुकूमतें हैं, ये चली जानी हैं। बड़े बड़े हुक्मरान दुनिया से चले गए, आज उनका नामो निशान भी मौजूद नहीं, आज कब्रों में पड़े उनका निशान भी ख़त्म हो गया। बल्कि ऐसी ऐसी इबरतनाक मौत बहुत से हुक्मरान मरे हैं कि इंसान तौबा तौबा करता है। ये दुनिया में सारा कुछ ख़त्म हो जाना है, और दुनिया में भी रुसवा हो जाते हैं, दुनिया में भी ज़िल्लत की ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हो जाते हैं, आखरत तो फिर बर्बाद होती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सच्चे और पक्के मुसलमान बनाए और इस्लाम की हिफाजत के लिए हमें खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।